अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ कर दें, और जिन लोगों ने कर दिया उनका बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट डे यशुल की आँख खुलती है और वो देखती है कि मिस्टर शाह उसके लिए नाश्ता बना रहे हैं। जब वो खाने को ज़्यादा गौर से देखती है तो वो देखती है कि पूरा खाना जला हुआ है, और मिस्टर शाह कह रहा है कि मैं पहली बार बना रहा हूँ तो तुम थोड़ा दूर हटो और देखना कितना टेस्टी बनेगा। जिस मिस्टर शाह की इस आदत से वो काफ़ी खुश होती है। खाना तो बना लिया, अब आई खाने की बारी। जिसके इस खाने को देख के बेचारी यशुल का तो क्या ही हाल हो रहा होता है, वो सिर्फ वही रहती है। पर फिर भी वो मिस्टर शाह को खुश करने के लिए कहती है कि खाना तो दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है, और मिस्टर शाह भी काफ़ी खुश होते हैं। पर उसका इस तरीके का मुंह बना हुआ देख के वो समझ जाते हैं कि खाने ऐसे पसंद नहीं आ रहा। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम कुछ और खाना चाहोगी, क्या कुछ मैं ऑर्डर करूँ? तो कहती है हाँ हाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। जहाँ बेचारों का मुँह बन जाता है कि जैसे सच में मेरा खाना पसंद नहीं आया। ये सुला के देखती है कि ये डिवाइस किस चीज़ के हैं। तो मिस्टर शाह कहते हैं कि ये डिवाइस मुझे हर तरीके की आवाज़ से बचाते हैं, और जो चीज़ मैं देखना नहीं चाहता उससे भी मुझे बचाते हैं। जहाँ यशुल जब इन सबको पहन के देखती है तो वो कहती है हाँ मुझे तो सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। फिर वो ये मिस्टर शाह को पहनाती है और कहती है आप टेस्ट करते हैं कि तुम्हें कुछ सुनाई देता है कि नहीं। जहाँ वो धीरे से बोलती है हे मिस्टर शाह, वो कहते हैं हाय मिस्टर शाह। फिर वो कहती है मिस्टर शाह एरियट है, तो वो कहता है मिस्टर शाह एरियट है। देन वो कहती है बहुत धीरे से कहीं पीछे की तरफ मुड़ के कि मिस्टर शाह एक नंबर के गधे हैं। जहाँ वो कहते हैं मिस्टर शाह एक नंबर के गधे हैं, वो हैरान होती है कि आपको तो सब कुछ सुनाई दे रहा है। मिस्टर शाह यशुल को बताते हैं कि जब वो 13 साल के थे तब भी उनको ये सब सुनने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट से गुजरे थे। ना यशुल भी उन्हें बताती है कि जब वो काफ़ी छोटी थी तभी उसे पता लग गया था कि वो फ्यूचर देख सकती है। यशुल मिस्टर शाह के कबर्ड में जाती है, जहाँ कहती है तो वही कपड़े हैं जो तुम उस दिन पहनोगे जिस दिन हम इंटीमेट होंगे। मिस्टर शाह कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी तो हम कल ही कर लेते हैं। वो कहती है नहीं नहीं मैं तो बस बता रही थी कि तो वही कपड़े हैं। घर आके वो याद करते हैं कि उसने कल रात जब किस की थी तो उसे क्या फ्यूचर दिखा था। जहाँ से दिखाई देता है कि मिस्टर शाह ने उसे कहा था कि मैरी मी, तो जिसे याद करके वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। मिस्टर शाह सबके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि उन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है। जहाँ यशुल के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड को मेरे से मिलवाने लाओ। जहाँ वो कहती है कि मैं उन्हें कैसे लेके आ सकती हूँ, लेकिन एकदम से मिस्टर शाह आके कहता है कि ठीक है मैं चलूँगा। एंड उसकी मॉम कहती है ओके। जहाँ हमें पता लगता है कि यशुल की मॉम के पास कोई अननोन आदमी बार बार फ्लावर्स भेज रहा है। यहाँ मिस्टर शाह डायरेक्टर के पास आए होते हैं और डायरेक्टर उन्हें अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे होते हैं और कहता है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है तो मेरे को ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर शाह कहते हैं कि तुमने 2 मिनट 2 सेकंड पे तुमने ये गलती कर दी है, 3 मिनट 33 सेकंड में तुम्हारे क्लाउड आ गए हैं। एंड काफ़ी सारे ऐसे ही मिस्टेक निकालता रहता है जो मिस्टेक कभी कोई सोच ही नहीं सकता। अब बेचारे डायरेक्टर वाज लाइक कि या तो मैंने बुरा काम किया या तो ये कुछ ज़्यादा ही गिनती गिनवा रहा है। यहाँ मिस ओ की शूटिंग हो रही होती है, जहाँ यशुल आई होती है। मिस ओ यशुल से कहती है कि क्या तुम सच में मिस्टर शाह को काफ़ी पसंद करती है? वो कहती है हाँ मैं उन्हें काफ़ी पसंद करती हूँ, और मुझे ये नहीं पता मैं क्यों ये सब उनकी सिस्टर से बोल रही हूँ उनकी बजाय। मिस ओ यशुल से कहती हैं कि मिस्टर शाह के बारे में जानने के बाद भी तुम उन्हें कितना पसंद करती हो? वो कहती है बल्कि मिस्टर शाह के बारे में जान के मैं उन्हें और ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। एंड जाते वो मिस ओ से कहती हैं कि आइंदा कभी मिस्टर शाह को छू भी मत लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, बिकॉज ही इज़ माइन एंड आई एम हिम्स। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। मिस ओ के पास से आने के बाद यशुल सोचती है कि मैं उन्होंने क्या क्या बोल दिया, एंड वो खुश भी होती है कि मिस्टर शाह इज़ माइन। मिस्टर शाह उसके पास आके कहते हैं कि यस आई एम योर्स, और वहाँ से चले जाते हैं। मिस यशुल होते हैं बिल्कुल शॉक। वो लोग लिफ्ट में होते हैं जहाँ मिस्टर शाह उससे पूछते हैं कि तुमने मिस ओ से क्या बात करी, तो वो उसे बताती है कि मैंने उन्होंने साफ बोल दिया कि वो तुम्हें आइंदा तुम्हें टच भी ना करें बिकॉज यू आर माइन। एंड देन वो कहती है कि अगर हम लोग इस करते थे तो तुम्हें दिक्कत होती है ना, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें तुम्हें दिक्कत ही ना हो। मिस्टर शाह फिर अपनी गाल को पकड़ के काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ मिस ओ ड्रिंक कर रही होती है जिनके पास आते हैं डायरेक्टर, एंड वो दोनों में थोड़ी सी बात होती है, वो लोग फाइनली आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। यशुल मिस्टर शाह के पास रिपोर्ट लेके आती है, जिस पर साइन करते हुए मिस्टर शाह को यशुल की हार्ट बीट की आवाज़ आती है। वो कहता है कि तुम्हारा हार्ट इतनी ज़ोर ज़ोर से चल क्यों रहा है? जहाँ वो कहती है बिकॉज मैं तुम्हारे सामने हूँ जिसे मैं काफ़ी पसंद करती हूँ।
मिस्टर शाह कॉफ़ी ले रहे होते हैं, जहाँ पीछे से येसुल आशिक कहती है कि काश मैं इसे पीछे से बैक हक कर पाती। ये चीज़ मिस्टर शाह सुनते हैं और कहते हैं, क्या तुम पागल हो, तुमने ही कहा था कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो मिस्टर तो येसुल कहती है कि तभी तो मैं तुम्हें यहाँ पीछे से हक नहीं कर रही। येसुल लिपस्टिक लगा रही होती है और कहती कि काश मैं मिस्टर शाह को किस कर पाती, जिसकी ये बात मिस्टर शाह सुन लेते हैं और काफ़ी हैरान होते हैं। यहाँ घर आके येसुल अभी भी मिस्टर शाह के बारे में सोच के शर्मा रही होती है। फिर वो कहती, नहीं येसुल, तुझे शर्माना नहीं है, तुझे काम करना है। तो कब तक उनके बारे में सोचती रहेगी, जहाँ वो मेहनत से काम करने लगती है। नेक्स्ट डे आके वो मिस्टर शाह को बड़ी मेहनत से बनाई हुई अपनी एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है कि हम लोग ऑफिस के टाइम पे भी अपनी डेटिंग कर सकते हैं बिना किसी को पता लगाए, जिसमें वो लिखती है कि आपकी सिक्स से आपके जो फाइव सेंस है वो काफ़ी अच्छे काम करती हैं, तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। जहाँ वो उनसे कहती है कि हम लिप्स को छोड़ के बाकी सब जगह किस कर सकते हैं, क्योंकि लिप्स पे करने से हम दोनों को ही तकलीफ़ होगी। ये सुल देखती है कि उसके आसपास के लोग सारे काम में बिजी हैं, तो वो बड़े धीरे से बोलती है कि 7 बजे एमरजेंसी स्टेयरकेस पे आना है। जो चीज़ मिस्टर शाह सुन लेते हैं और स्माइल करते हैं, और ये सुल भी उन्हें ब्लिंक करती है। मिस्टर शाह की हैप्पीनेस का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, वो काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम दोनों को साथ में देखते हैं। येसुल मिस्टर शाह के चीक्स पे किस करते हैं, जिसे देख के मिस्टर शाह भी काफ़ी खुश होते हैं। येसुल अब अपने टेबल पे टैप टैप करती है, जिसकी आवाज़ मिस्टर शाह सुन लेते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। फिर हम दोनों को साथ में देखते हैं। येसुल अपने हाथ पर फ्रेग्रेंस मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती है और ब्लो करती है, जिसकी खुशबू मिस्टर शाह को सुन जाती है और वो समझ जाता है कि उन दोनों को मिलना है। जहाँ वो दोनों मिल गए, काफ़ी अच्छा वक्त स्पेंड करते हैं। यहाँ येसुल अब दूसरी तरीके की क्रीम लगाती है, जिसकी स्मेल फिर से मिस्टर शाह को आ जाती है और वो ये चीज़ देख के इतने खुश होते हैं कि वो डांस करते हुए ही नीचे जा रहे होते हैं। यहाँ दोनों काफ़ी खुश होते हैं, जहाँ मिस्टर शाह येसुल से कहते हैं कि अब मैं बहुत थक गया हूँ कि तुम ही सारी मेहनत करते हो, अब मैं भी थोड़े इशारे करा करूँगा, जिसके बाद वो कहती है ठीक है। यहाँ काम के वक्त मिस्टर शाह अपने पर्दों को हिला के इस तरीके से इशारे कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल भी येसुल को समझ नहीं आते। येसुल का कलीग कहता है कि मिस्टर शाह को क्या हो गया, क्या उनकी खिड़की ख़राब हो गई है। जहाँ वो देखती है और समझ जाती है। फिर वो दोनों मिलते हैं। येसुल के कैबिन में आते हैं मिस्टर शाह और अपने कुछ कलीग से बात करते हुए अपने नेक को टच करते हैं, जिससे येसुल समझ जाती है। दो लोग फिर से आपस में मिलते हैं। यहाँ मिस्टर शाह कहता है कि अब मुझे परवाह नहीं कि मुझे दर्द हो या ना हो, या मुझे तकलीफ़ हो या ना हो। जिसके बाद वो येसुल को करते हैं काफ़ी पैशनेटली किस। अब यहाँ ऑफिस के लोग भी येसुल और मिस्टर शाह को ढूंढने लगते हैं, एंड वो लोग सोचते हैं कहीं वो दोनों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अरे कहीं वो दोनों जल्दी घर तो नहीं चले गए। फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ मिस्टर शाह और येसुल आते हैं। येसुल के पास मिस्टर शाह की कॉल आती है, जहाँ वो परेशान होते हैं कि कल वो येसुल की मॉम को कैसे फेस करेंगे, जहाँ वो उसे इनक्रेज करती है। नेक्स्ट डे वो अपने डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं, जहाँ वो डॉक्टर को बताते हैं कि येसुल को कुछ भी अपने बचपन का याद नहीं। जहाँ हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जो कि येसुल और मिस्टर शाह ने ही बचपन में बनाई होती है। यहाँ मिस्टर शाह येसुल की मॉम से मिलने आते हैं, जहाँ हो वो भी होती हैं। जब मिस्टर शाह अपना नाम उसकी मॉम को बताते हैं, तो वो पहचान जाते हैं कि तो बचपन वाले ही मिस्टर शाह हैं। जहाँ वो लोग आपस में बात करते हैं कि येसुल को अपने बचपन की कोई मेमोरी अब याद नहीं है उस एक्सीडेंट के बाद, और अब उसकी मॉम भी नहीं चाहते कि उसे वो बिल्कुल याद है, क्योंकि जब जब वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है उसे कुछ भी याद नहीं आता, तो बेकार ही है कुछ ट्राई करना। यहाँ मिस येसुल की मॉम को आता है फिर से फ्लावर, जिससे वो बाहर चेक करने जाते हैं, पर तब तक वो बंदे जा चुके होते हैं। और वहीं हमें देखा जाता है कि जिस बंदे ने फ्लावर भेजे हैं वो अभी भी मिस येसुल की मॉम को देख रहा होता है। यहाँ मिस ओ और डायरेक्टर बैठे होते हैं और एडवर्टाइजमेंट की तारीफ़ कर रहे होते हैं। मिस ओ कहती है कि मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग करी, कितना अच्छा बनाया। यहाँ डायरेक्टर कहते हैं कि मैंने अच्छी रिकॉर्डिंग करी, इस वजह से बनाए। यहाँ दोनों में बहस होती है कि अगर मैं एक्टिंग नहीं करती तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनता, और डायरेक्टर कहते हैं कि अगर मैं इस एंगल से नहीं लेता तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। इन दोनों की जोड़ी देख के मुझे लगता है कि दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड और काफ़ी अच्छे कपल बन सकते हैं। और दोनों की बहस वापस जारी चलती ही रहती है। मिस्टर शाह येसुल को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं। अब मिस्टर शाह येसुल से पूछते हैं कि जैक्सन, जो उनके फ्लावर पॉट का जो भी कुछ नाम है, कहते हैं कि क्या उसकी लिप्स ग्रीन थी जब जैसे हम लोग इंटीबेट कर रहे थे। वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि लगता है अब वक्त आ गया, क्यों ना हम कल ही करें। जहाँ वो लोग राज़ी होते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर शाह और येसुल काफ़ी बंठन के ऑफिस जाते हैं एंड रात में मिलने के लिए जाते हैं, पर उन्हें पता लगता है कि कोई काम आ गया है। नेक्स्ट डे वो फिर से सेम कपड़े पहन के जाते हैं, क्योंकि उनके फ्यूचर में तो उन्होंने वही कपड़े पहने होते हैं। जहाँ अगेन उनके जो एडवर्टाइजमेंट की जो कंपनियाँ हैं उन्हें उनका एड बिल्कुल पसंद नहीं आता, उन्हें दोबारा करना। यहाँ येसुल की कलीग डांट फेंक रही होती है
और यसुल को बुरा वाला कह रही होती है। यसुल भी पीछे से आके कहती है कि हाँ, यसुल एक नंबर के चुड़ैल है। जहाँ वो कहती है हाँ वो तो है ही, पर जब वो पलट के देखती है कि वो यसुल है तो वो डर जाती है। यसुल कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने सीनियर को बुरा वाला कह के अच्छा काम कर रही हो, ये तो मैंने भी काफ़ी किया है, तभी तो मैं आज सक्सेसफुल हो पा रही हूँ। तुम भी सब जारी रखो और अपने ऊपर मेहनत करो। या मिस्टर शाह के सीनियर आके मिस्टर शाह को उल्टा धमका रहे होते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आ सकती है, पर वो इनडायरेक्टली ये सब कह रहे होते हैं। यहाँ मोपिक्स को ऐड पसंद आते हैं और वो यसुल का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा ऐड उसे बना के दिया है। या इस बात से काफ़ी खुश होकर पूरी टीम जाती है डिनर करने। यसुल कहते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि उसका और मिस्टर शाह का तो प्लान ही कुछ और था, लेकिन तब भी सारी टीम वाला ज़बरदस्ती उसे ले जाते हैं कि यसुल तो हमेशा आती है, वो इस बार भी आएगी। और मिस्टर शाह के लिए कहते हैं कि मिस्टर शाह तो कभी आते ही नहीं है तो उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम देखते हैं कि ड्रिंक पार्टी में मिस्टर शाह भी आ जाते हैं क्योंकि वहाँ यसुल होती है, जहाँ सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं और बार बार ट्रूथ एंड डेयर का जो बॉटल है वो आती है यसुल के ऊपर। सब लोग उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल पूछने लगते हैं जिसकी वजह से वो बार बार ड्रिंक करने लगती है। देन सेकेंड टाइम में क्या होता है, बार बार बॉटल घूम के आती है मिस्टर शाह की तरफ एंड सब लोग सेम उससे उसके फर्स्ट लव और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो भी काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद जब मिस्टर शाह से बिल्कुल भी सहन नहीं होता तो वो यसुल को मैसेज करते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी थोड़ी देर में बाहर आ जाना। पर वो गलती से ये मैसेज उनकी कंपनी के ग्रुप चैट पर कर देते हैं, जैसे सब लोग देखते हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यसुल मिस्टर शाह को इशारा करती हैं कि आपने ये मैसेज कहीं और ही कर दिया। जब वो चेक करते हैं तो वो बिल्कुल डर जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि अरे मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा था। जहाँ सब लोग कहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा मैसेज कर रहे हो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी थोड़ी देर में आ जाना, यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हम सबके बीच में बैठी है, वो लड़की कौन हो सकती है। अब ये रायता समेटने में मिस्टर शाह को काफ़ी वक्त लग जाता है। बाहर आके ये फिर मिस्टर शाह को देती है हैंगओवर की मेडिसिन। अब मिस्टर शाह हैंगओवर में ही यसुल से कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप भले ही एक एक्सीडेंटल किस से स्टार्ट हुआ था पर मैं चाहता हूँ कि ये आगे भी जाए। मिस ओ और डायरेक्टर साथ में बैठे होते हैं जहाँ दोनों की फिर से झड़प हो जाती है मिस्टर शाह और यसुल को लेके। यहाँ मिस्टर शाह और यसुल घर में आके काफ़ी अच्छा वक्त स्पेंड करते हैं पर गलती से उनसे जैक्सन पॉट गिर जाता है, जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि आज ही वो दिन है जिस दिन उन्हें इंटीमेट होना है, जिसके बाद तो वो दोनों लग जाते हैं। अब वो लोग काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। फिर हमें मिस्टर शाह और यसुल बचपन के दिखाए जाते हैं। जहाँ यसुल थक जाती है तो वो मिस्टर शाह के कंधे पर सर रख के ही सो जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि इसके आगे के एपिसोड वेडनेसडे को, मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे और या तो थर्सडे को आएंगे, क्योंकि इसके ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है और मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि ऑनगोइंग ड्रामा की एपिसोड इतनी जल्दी नहीं आते, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वेडनेसडे को ही डाल दूँ। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को